नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद का प्रोग्राम शून्य से सफलता। आज हमारे साथ हैं करौली जिले के मनोपुरा निवासी प्रशांत पाल। प्रशांत पाल पुत्र भूपेन्द्र पाल इनके पिता सरपंच रहे, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन इन्होंने अपने दम पर एक बड़ी संस्था खड़ी की है और आज लगभग 800 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार का मुद्दा देश में आए दिन चलता है, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन इन्होंने अपने दम पर एक संस्था खड़ी की और लगभग 800,000 लोगों को रोजगार देते हैं। हम प्रशांत जी के जीवन के जो अनछुए पहलू हैं, हम विस्तार चर्चा करेंगे। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशांत जी का जन्म 6 दिसंबर 1978 को कैला देवी के समीप मनोपुरा गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी गांव से हुई और बीएससी उन्होंने करौली कॉलेज से की। सर, पहले आप अपने परिवार के बारे में और आपके बारे में जानकारी आप अपने दें। नमस्कार विनोद जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे परिवार के बारे में बताता हूँ तो एक बहुत ही छोटे से परिवार से मैं आता हूँ और बहुत ही छोटा सा गांव है, जिस गांव की कोई ऐसे मुझे लगता है पहचान भी नहीं थी। करौली में भी अगर आप किसी से मनोहरपुरा गांव का नाम अगर आप पूछो कुछ साल पहले, तो पता नहीं होता था कि कहां पर है, और अभी लगभग सभी लोग जानते हैं। तो मेरे घर में मम्मी पापा हैं और पापा का जो है सरपंच रहे थे। उससे पहले उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके खेतीबाड़ी की और उसी के दम पर उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और मम्मी मेरी हालांकि ग्रेजुएट रही हैं उस जमाने की, लेकिन उनकी शादी होकर गांव में आ गई। मेरे नाना जी जो है सूबेदार मेजर थे, लेकिन हमारे गांव में कभी पढ़ाई का कोई माहौल नहीं था। अगर मैं बोलूं तो मेरे से बड़े जो भाई हैं उससे पहले किसी ने भी 10वीं पास नहीं करी थी। तो मम्मी का हमेशा से ये रहता था कि मेरे बच्चे पढ़ें, क्योंकि मेरे सभी मामा जियों के बच्चे, मौसी के बच्चे अच्छे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, और हम गांव में 5वीं क्लास के बाद हमें 6 कहां जाएंगे हमें पता ही नहीं था। तो जैसे तैसे मम्मी ने लड़ भिड़ कर पापा से मेरे ब्रदर को अपनी मौसी के यहाँ रखा, बुआ जी के यहाँ रखा और रिश्तेदारों के यहाँ रहकर वो 10वीं पास की। और इसी तरह से मैंने 10th क्लास तक गाँव में रहा। 10th फिर मैंने करौली से की और मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ रख, मैं थोड़ा शैतान रहा बचपन में, तो किसी रिश्तेदार के यहाँ रखना थोड़ा सा मुश्किल था। और फिर मैं 10th में यहाँ आया, तब मुझे पता चला कि पढ़ाई कितनी जरूरी है लाइफ के लिए, क्योंकि ब्रदर ने उस टाइम पे टॉप किया था और 12th क्लास में भी उनकी मेरिट आई थी। तो इस तरह से जो है ब्रदर आगे चल के IIT की उन्होंने, आज वो ओरेकल जैसी कंपनी में ग्लोबल लीडर है। मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, उसकी शादी लालसोट के पास एक गाँव में हुई है, और अब बना है जो हमारे जो मेरे जवाईसा हैं वो भी एक पहले बेरोजगार थे, फिर वो टीचर बने और आज मजिस्ट्रेट हैं, कोटा में उनकी ड्यूटी है। तो अब मैं बोलता हूँ कि हमारे परिवार में खुशियां काफी हैं और बहुत ही छोटे परिवार से थे लेकिन सभी मेहनती हैं, तो सारी चीजें अच्छी हैं। अच्छा, आपने BSc करौली से की, उसके बाद रोजगार की तलाश में आप निकल गए। बिल्कुल। तो रोजगार की तलाश में कहाँ का भटकाव शुरू हुआ, फिर प्योर इंडिया ट्रस्ट की स्थापना कैसे हुई? तो देखिए, BSc करने के बाद जो है ऑफकोर्स BSc के बाद कोई नौकरी तो लगती नहीं है, तो मैंने MBA करने के लिए कोशिश की और कोटा से ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वहां से मैंने MBA किया। MBA करने के बाद असली लड़ाई शुरू हुई। तो लगा कि भाई प्राइवेट कंपनी में जाना है, तो हालांकि ये कि जब कोटा से जब MBA कर रहे थे तो मेहनत बहुत करने का एक जज्बा आ गया था कि यार कुछ करना है, नंबर 1 करना चाहिए। हालांकि पढ़ाई में हमेशा सबसे पीछे रहते लेकिन काम में नंबर 1 रहने की इच्छा थी। तो वहीं कॉलेज से ही हमारे संपर्क में एक STG इंस्टीट्यूट है, वो आए और उन्होंने मुझे कंप्यूटर सेंटर में मैथ सेंटर मैनेजर बना दिया। और उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट में मुझे रखा जो कोटा के कुन्हाड़ी गांव में था, चंबल के दूसरी तरफ, जहां कोई जाता ही नहीं था, कोई भी व्यवसाय नहीं था, कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं थी। लेकिन जब मैंने वहां पर सन 2000 में काम शुरू किया तो वो इंस्टीट्यूट बंद होने के कगार पे था। 6 महीने के अंदर वो राजस्थान के टॉप 2 इंस्टीट्यूट्स में आ गया, इतना अच्छा काम किया। और इसी से उसने मुझे प्रमोट करके भीलवाड़ा के एक बड़े इंस्टीट्यूट में भेजा। और अगर और आगे की अगर मैं बात बताऊं तो फिर मुझे लगा कि अब हम कुछ और काम करें, तो मैं पूना गया। पूना में मैंने होटल्स में एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की नौकरी करी, लेकिन मन में हमेशा ये था कि इस मार्केटिंग और इस सेल्स ये सब तो मतलब मुझे ऐसा कोई एक्सपर्टीज नहीं बना रहे, मेरे अंदर कोई स्पेशलिटीज नहीं है कि जिसके लिए लोग मुझे जाने। तो मैंने फिर क्वालिटी प्रोफेशनल बनने का सोचा और मैंने पढ़ाई नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करनी शुरू की। ISO लीड ऑडिटर का सर्टिफिकेशन किया, एक बहुत ही उस टाइम पर नई चीज आई थी 6 सिग्मा, जैसे आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, डेटा माइनिंग की बात। उस समय क्या अपने परिवार शादी हो गई आपकी?
नहीं, शादी मेरी 2006 में हुई थी, तब तक ये स्ट्रगल चल ही रहा था। शादी से पहले स्ट्रगल चल ही रहा था और शादी हुई तब मैं आइडिया सेल्यूलर में आ गया था। हाँ। और आइडिया में आने के बाद एक ठीक ठाक सैलरी आने लगी, लेकिन हमेशा ये था कि फिर आप विदेश चले गए। हाँ, उसके आइडिया के बाद में एयरटेल में आया, एयरटेल के बाद आईबीएम जैसी कंपनी, जिसके बारे में मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता कि मुझे आईबीएम जैसी कंपनी में नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी नौकरी मिली और वहीं से मुझे फिलीपींस में जाने का मौका मिला। फिलीपींस में मैंने 3 साल काम किया और उसी दौरान मेरा ये जो ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं वो चिंगारी वहीं से शुरू हुई। अन्ना हजारे कैसे लगी वहां पर? तो ये था कि यहाँ पर दिल्ली में अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था और यहाँ की रोज न्यूज वर्ल्ड वाइड चलती थी, और जब मैं वो न्यूज देखता था तो मुझे लगता था कि मुझे आज दिल्ली में होना चाहिए था, मैं वो काम करना चाहिए था जो मैं असली में करना चाहता हूँ। नौकरी से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं, ऑफकोर्स अच्छा खासा पैकेज था मेरा, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था उस चीज का, तो मैं कोशिश करने लगा दिल्ली आने की। लेकिन उस टाइम पर मैंने फिलीपींस में ही अन्ना हजारे इंडिया अगेंस्ट करप्शन को प्रमोट करना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे मौका मिला, दिल्ली आया। तब तक मूवमेंट खत्म हो गया था और आम आदमी पार्टी बन गई थी, लेकिन मेरा मन हमेशा से सेवा में ही रहा। तो फिर हमने बोला कि क्यों ना हम ट्रस्ट बनाए, और इसमें मेरी वाइफ का बहुत अच्छा सहयोग रहा। वो हम दोनों ही, शादी 2006 में, शादी हमारी 2006 में हुई थी और 2007 में हम गुड़गांव जब रहते थे तो हम, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही ब्लाइंड बच्चों के एग्जाम लिखने जाते थे हर सैटरडे संडे, कि कोई अगर पास का स्कूल दिखा उसमें कोई क्लासेस लेनी है तो उसमें हम जाते थे। तो मतलब हमारा दोनों का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था कि हम कुछ काम करें। और फिर जब 2012 में जब मैं इंडिया वापस आया तो वाइफ ने बोला कि अगर आपको यही काम करना है तो क्यों ना हम एक एनजीओ बना लें। लेकिन एनजीओ का कोई ये मन नहीं था कि हमें इसको प्रोफेशनल बनाना है, क्योंकि तब मैं एक्सेंचर में नौकरी कर रहा था और मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे था, उसमें काफी अच्छी सैलरी थी, मतलब करौली के हिसाब से। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मनोपुरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव है? हाँ, आज भी वहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल, आप वहां से निकल के एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप किस रूप में लेते हैं युवाओं, कैसे लेना चाहिए इसे? तो मेरा सबसे पहला स्टेप ही यही था कि जिस गांव से मैं आया हूँ, जिस एरिया से मैं आया हूँ, उन लोगों को इतनी स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े जो मुझे करनी पड़ी। तो वो स्ट्रगल कम करने के लिए मैंने सबसे पहले हमारे गाँव के स्कूल को पकड़ा और स्कूल के बच्चों के साथ मेरा रेगुलर बातचीत होती रहती है, उनको मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे होने से या किसी और के होने से आज हर साल हमारे गांव से जितने भी बच्चे 10th क्लास में बैठते हैं, 12th में बैठते हैं, वो 100% बच्चे पास होते हैं, कई बच्चों के 93-94% मार्क्स। आपने गांव के स्कूल के लिए क्या किया? गांव के लिए, गांव के स्कूल में हमने 2014 में काम करना शुरू किया। पहले तो हम बच्चों के करियर गाइडेंस करते थे, उनके लिए स्टेशनरी, उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए पढ़ाई से संबंधित वो की। लेकिन एक बहुत अच्छा हमें मौका मिला, सोनू माली हमारे गांव का बच्चा था जिसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड हमने दिलाया। जब उसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला, उसको प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला दिल्ली में, और वो जब बच्चा वापस आया करौली में तो यहाँ से हमारे उस टाइम पर जो कलेक्टर साहब थे मनोज कुमार शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे यहाँ के जो एमएलए थे, हमारे यहाँ की रानी जो रोहिणी देवी है, वो हमारे गांव आई, तो उनके आने से हमारे गांव के स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं थी, बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, वो सारी चीजें उस बहाने से ठीक हो गई कि ये आएंगे तो देखेंगे, तो ये सारी चीजें अच्छी होगी। आज हमारा स्कूल बहुत ही अच्छी स्टेज पर है, स्कूल के अंदर जितनी भी चीजें चाहिए, कंप्यूटर लैब्स हमने बनाया, हमारे स्कूल के 100% बच्चे डिजिटली लिटरेट हैं। उस टाइम पे हमने कंप्यूटर लैब्स बनाई, लाइब्रेरी बनाई, हमने हमारे स्टाफ रखे जिससे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग ले सके। तो ये सारी चीजें हमने गांव में की, गांव के अंदर पूरे गांव में हमने लाइट लगवाई, रोड लाइट्स हमने लगवाई हैं, गांव ट्रस्ट से लगी है, ट्रस्ट की तरफ से लगाई। तो ये सारी ट्रस्ट की तरफ से गांव में और भी जितने लोगों को कोई भी चीज की कमी चाहिए, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, अभी परसों ही हमने दो महिलाएं जिनमें से एक कोविड विडो है, उसको उनका रोजगार खुलवाने के लिए उनको सिलाई मशीन दिलवाई है। तो ये किसी को ये पूछने का जरूरत नहीं है या क्या टाइम है, जब मेरे पास फोन आता है उसको सहयोग उसी दिन मिलता है। तो माटी से लगा आपको गांव में वापस खींच लाया? हाँ, खींच लाया, मतलब करौली से लगाव है, गांव से लगाव है। और मतलब मैं शायद, मुझे लगता है कि एक पैसे और एक मजबूरी जो रहती है कि भाई शुरू में आपको अपने आप को खड़ा करना है, इस वजह से हम बाहर गए। और लेकिन अब जब थोड़ा इस मुकाम पर आ गए हैं तो अब लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब हमने हमारे ट्रस्ट का काम कई जगह फैलाया
तो करौली में भी उसको उतना ही विस्तार दिया। करौली में इस वक्त अगर हम बात करें तो करीब 42 महिलाओं को हम रोजगार दिलवा चुके हैं, उनके अपने व्यवसाय, उनके पसंद के व्यवसाय उनके गांव में खुलवा चुके हैं। कोरोना में हमारी टीम ने जो है बहुत ही अच्छा काम करा, पूरे पुलिस विभाग के साथ उनको फेस शील्ड देना, मास्क देना, हॉस्पिटल के लिए डिस्पोजेबल बेडशीट, मास्क देना, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब, इवन हर थाने में हमारी टीम में खुश बिहारी है, उन्होंने जगह जगह जा जाकर गांव गांव में जाकर आंगनवाड़ी महिलाओं को सैनिटाइजर्स दिए। सब काम आत्मनिर्भर बना रहे हैं सबको। हमारा पर्पज यही है कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बने, अपने घर से बैठकर काम करें। और इस तरह से आज की तारीख में प्रताप जी, आपके जीवन का वो कौन सा मोड़ है जहाँ ये मोड़ आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया उसने? ऐसा कौन सा एक व्यक्ति है, आदर्श है? किसी न किसी जीवन में कोई आदर्श होता है। हाँ जी, आदर्श तो डेफिनेटली होते ही है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे को क्या लगता है किसके, तो अन्ना हजारे डेफिनेटली उन्होंने मुझे एक चिंगारी थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि विवेकानंद जी का काफी बड़ा प्रभाव है मेरे ऊपर। पढ़ा है विवेकानंद जी? हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है मैंने उनकी जीवनी के बारे में। चाणक्य को भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि भाई जिन्होंने देशभक्ति जिसके अंदर भरी हो, देशभक्ति की भावना की, भाई समाज में देखो पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे भी हो आपके पास हो जितनी आपकी जरूरत है, लेकिन आप समाज के लिए उतना करो जितनी आपको, आपसे अपेक्षा है लोगों की, और आपको देखकर लोग इंस्पायर हो सके, तो वो सब काम हम कर। देखिए कई ऐसा लगता है कई बार संघर्ष युवा वर्ग कर नहीं पाता है, वो जल्दी ही हार मान जाता है, और आपने स्टेप्स के लिए संघर्ष किया, एक लंबा संघर्ष किया। बिल्कुल। तो जो संघर्ष की गाथा से आप जब निकल के आए, ये सब बनी, तब आपको लगा कि मुझे करौली चलना चाहिए? नहीं, करौली तो मैं शुरू से ही आता था, बट ये कि जब मेरे पास ये स्थिति आ गई कि अब मेरे पास ये मिशन, जब 12 देशों में होके आए, आपने अच्छा काम किया, सब कुछ, सैलरी अच्छी थी, बिल्कुल, उसके बाद भी आपने सोचा कि मैं माटी से जुड़ा यहाँ कुछ लोगों को? तो उसका एक कारण ये था कि एक तो क्या, जब हम एक छोटे वातावरण में रहते हैं तो हमारी सोच भी उतनी होती है, मैंने ये देखा। लेकिन जब मैं बाहर गया यहाँ से, जब इवन जयपुर, कोटा, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, फिलीपींस में रहा, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट में, दुबई में गया, बहरीन गया, कीनिया गया, इन सभी कंट्रीज में जब मैं गया और हर जगह जाके मैंने देखा, बहुत सारी चीजें अच्छी भी थी, बहुत सारी चीजें ठीक नहीं थी, तो मैंने देखा जितनी अच्छी चीजें हैं वही मैंने सिर्फ देखी वहां से, और वो चीज हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी तरफ से कुछ बदलाव ला सकता हूँ, और इस वजह से करौली एक मेरा गृह जिला है और इसका भी कारण रहा है, और एक लगाव है करौली में, जब मैं आता हूँ तो एक एनर्जी अपने आप शरीर में आ जाती है। लगभग कितने लोगों को आप घोषित और अघोषित रोजगार दे रहे हैं आप? देखिये अभी हम लोग अगर ऐसे देखें तो 500 से ज्यादा हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमी आज की तारीख में है, और हर रोज अगर हम गिने, हर रोज दो दो तीन तीन नई महिलाएं बन रही हैं, क्योंकि अभी हमारा काम बुलंदशहर, दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, नोएडा, सीकर, करौली, रावतभाटा, बैंगलोर, गुवाहाटी, पंजाब, अमृतसर, यहाँ सब जगह चल रहा है। तो हर जगह कोई ना कोई महिला उद्यमी सक्षम बन रही है। तो हर रोज आज की तारीख में अगर बात करूं तो 500 से ज्यादा नंबर हमारा हो गया है, और 50 लोगों की हमारी अपनी टीम है जिनको हम फुल टाइम स्टाफ पेड है। इसके अलावा हम लोग करीब 250 से ज्यादा लोगों को स्किल ट्रेनिंग देकर उनको एम्प्लॉयड करवा चुके हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखो तो हर साल में कम से कम 10,000 से 12,000 लोगों को हम लोग बेनिफिट देते हैं ट्रस्ट के द्वारा। आपकी पत्नी की क्या भूमिका है इसमें? आप खतरनाक सवाल पूछा है। बिल्कुल, उनकी भूमिका के बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता था। उन्होंने ही, जब मैंने ये नौकरी छोड़ने का प्लान किया था तो उन्होंने ये चीज पत्नी अपने पसीना है या क्या पूछ पहुंच ले होंगे पसीना पसीना पहुंच पति नाम बिल्कुल क्या भूमिका रही थी करोल की? तो देखिए, जब हमने मैंने जॉब छोड़ने का प्लान किया तो ऑब्वियसली घर कैसे चलेगा सबसे बड़ा सवाल यही था। तो हमने दोनों ने काफी सोचा, और जयपुर में मेरा घर है, उस घर को हमने थोड़ा सा एक हॉस्टल बनाया, और हॉस्टल बनाने के बाद उसमें वाइफ ने उसमें हॉस्टल चलाना शुरू करा। तो अब मैं इनकम नहीं करता हूँ घर में, लेकिन वो इनकम जनरेटिंग है, तो मेरे ऊपर ये प्रेशर खत्म हो गया कि मैं, मुझे घर चलाना है जी। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है, और उनका हर स्टेप पर सहयोग होता है तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। आज वो बच्चों को देख रही हैं जयपुर में, तो मैं आपके साथ करौली में बैठा हुआ हूँ। अगर वो घर की आजीविका नहीं हो पाती तो आप शायद ट्रस्ट नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, और मैं युवाओं को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सबसे सही
उम्र होती है कि जब आप जस्ट कॉलेज से पास आउट हो, आपके पास कम जिम्मेदारियां होती हैं, आप अपने सपनों को तभी पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप 30, 35, 40 के पास पहुंच गए, उस टाइम पर अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप अपनी आजीविका का इंतजाम करें और फिर उसके बाद अपने जो भी आपको पैशन है आपका। इसलिए हमने मैं आपको ये बुक दिखाना चाहता हूं। आप अगर मेरी बुक देख रहे हैं 100 करियर ऑप्शंस, तो जो मैं 17 साल नौकरी करने के बाद हमने ये एनजीओ का काम शुरू किया, ये काम मैं क्यों कर पाया, ये क्योंकि मेरा पैशन है। ये इसमें मेरी कोई थकान नहीं होती है। मैं 24 घंटे काम करूंगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से हमने ये बुक इसलिए लिखी है कि 8th, 9th, 10th क्लास में ही बच्चे ये डिसाइड कर लें कि उनका पैशन क्या है, क्या खेलकूद उनका पैशन है, क्या इंजीनियर बनना, क्या डॉक्टर बनना, क्या फिल्म एक्टर बनना, या कोई जज बनना, या कोई कलेक्टर बनना, या कोई बिजनेस करना उनका ड्रीम है। जो भी उनका ड्रीम है वो 10th क्लास तक आइडेंटिफाई करें। हम उनकी मदद करते हैं, हमारी एक हेल्पलाइन है, उस पर वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि मेरे को एक ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बनना है तो मैं ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर कैसे बनूंगा, उसके लिए अगर उसको मेंटरिंग चाहिए तो हम ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से ही उसकी फोन पर बात कराते हैं। अगर उसको मजिस्ट्रेट बनना है तो मजिस्ट्रेट से ही उसकी फोन पर बात कराते हैं। अगर उसको इंस्पेक्टर बनना है तो इंस्पेक्टर, तो हमारे पास 300 से 500 के लगभग वॉलंटियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे लिए फोन पर लोगों को मेंटरिंग देने के लिए तैयार है। तो मैं चाहता हूं कि उन युवाओं को कि आप अपना पैशन आइडेंटिफाई करें, इसलिए हमने ये बुक लिखी है। इस बुक में 100 तरह के बिजनेसेस और करियर्स और जॉब्स के बारे में जानकारी है। आप हर एक पेज पर आप देखेंगे तो इसमें पूरे वीडियोज दिए हुए हैं, आप हिंदी इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं, सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो गलती मैंने 17 साल बाद सुधारी, बच्चे जल्दी उम्र में कर सके। तो आपका कहना है कि आपने 17 साल जो नौकरी की है उसके पहले अगर शुरू कर देते तो आप बहुत आगे होते यार। बिल्कुल, ऐसा मैं सोचता हूँ कि शायद हम और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे, ज्यादा लोगों तक पहुंचते, ज्यादा लोगों को बेनिफिट। अच्छा, एक आप एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ ट्रस्ट को इनके बारे में आम लोगों की थीम नेगेटिव रहती है यार, तो मान उड़ाते हैं, सरकार का माल खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपने सरकारी वर्ड बोला, तो हम सरकार से तो एक रुपए लेते नहीं है, ठीक है? तो हमारा वो काम तो खत्म ही हो गया कि हम सरकार का कोई भी काम नहीं करते हैं। लेकिन सरकारी संस्थाओं के लिए हम देने देने का काम करते हैं, लेने का कोई भी काम नहीं करते हैं, पहला तो ये। और दूसरा ये कि हम सारा कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं, कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके हर चीज कंप्यूटराइज्ड होता है, डेटा पे काम चलता है, तो हम जो भी काम करते हैं हर चीज में हमारे डोनर को, हमारी कंपनी को इन्वॉल्व करके रखते हैं। एक महिला को अगर हम करौली के करणपुर गांव से आइडेंटिफाई करते हैं तो उस महिला का फोन नंबर हमारे डोनर के पास जाता है, वीडियो कॉल से उससे बातचीत करते हैं और वो डायरेक्ट ये देखते हैं कि हम जो वो बेनिफिट देना चाहते थे उस महिला तक पहुंचा के। तो ट्रांसपेरेंसी मैं बोलता हूँ हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से कोरोना काल में भी हमारा एनजीओ 150 से 200% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से चल रहा है। तो समाज में बदलाव कैसे हो, निजी के बारे में लोगों की धारणा बदले, सकारात्मक? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे छोटे छोटे एनजीओ हैं जो अभी स्ट्रगलिंग है या जिनको पता नहीं है कहाँ से कैसे काम करें, किस तरह से लोगों का विश्वास जीते, किस तरह से कॉर्पोरेट से पैसे ले सकते हैं, इनमें हम उनकी मेंटरिंग भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास हमारी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स भी दे रखी है, वो जब चाहे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम उनको ये बता सकते हैं कि अगर कोई एनजीओ एक आंध्र प्रदेश के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी कंपनी है जिनसे वो संपर्क कर सकते हैं, उनको पैसे मिल सकते हैं, और आप किस तरह से उनको रिपोर्ट करना है, किस तरह से मॉनिटरिंग करवानी है, जिससे कि आपका डोनर हमेशा आपको आपके साथ रहे। जो डोनर आज 2017 में हमारे साथ जुड़ा वो आज भी हमारे साथ है। तो फंडिंग कहां से होती है एनजीओ की? लगभग हमारी फंडिंग देखो 3-4 तरह के फंडिंग होती है। सबसे पहले सरकार, ऑब्वियसली अगर आपके पास सरकार के सोर्सेज हैं, हम लोग सरकार की कोई स्कीम में अप्लाई नहीं करते हैं, अभी तक नहीं कराए, तो इसलिए सरकार का कोई पैसा हमारे पास नहीं है। लेकिन बहुत सारे एनजीओ हैं जो सिर्फ सरकार के पैसे से ही काम करते हैं। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट। तो क्या होता है कि ऐसी कंपनियां जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है, कम से कम आप लिख लें इस बात को, 5 करोड़ है, या ऐसी कोई कंपनी जिनका टर्नओवर 500 करोड़ है या उनकी वैल्यू 1000 करोड़ है, इन कंपनियों को अपने नेट प्रॉफिट का 2% साल में समाज सेवा के अंदर खर्च करना ही जरूरी है। तो उन कंपनियों को हम लोग ढूंढते हैं। तो ऐसी कंपनियां जिनका 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है या 1000 करोड़ है, तो वो कंपनियां CSR देती हैं या उनको समाज सेवा में करना ही है। और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो
तो वो कंपनी हमें देंगी पैसे, तो हम उनसे पैसे लेते हैं। तो एक हो गया सरकार, दूसरा हो गया सीएसआर, तीसरा हो गया इंडिविजुअल डोनर, आम आदमी। तो अगर अच्छा काम कर रहे हो, जैसे गौशाला में लोग पैसे दान देते हैं, मंदिर में लोग दान देते हैं, किसी ने एक अच्छा काम करा, कोरोना में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ने के लोगों ने कोरोना में मदद करी लोगों की, तो लोग अगर आप अच्छा काम करो तो लोग आपको दान देंगे। तो इस तरह से आप तीन तरह से आप प्रधान जी, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव कि आपने समाज सेवा की और समाज के लोगों में बहुत अच्छा बदलाव लगा, व्यक्तिगत किसी के जीवन में आपने बदलाव लाया हो? बहुत सारी स्टोरी है, कुछ एक दो। बहुत सारी है, मैं तो सबसे पहले मेरे गाँव को ही उदाहरण दे देता हूँ। हमने, मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप काम करते हो तो कई सारे लोग नेगेटिव लेते हैं इस बात पे, लेकिन हमने कभी नेगेटिव बात पे ध्यान नहीं दिया। तो आज मेरे गांव में, मुझे बहुत गर्व है कहते हुए, हमारा गांव में अगर आप विजिट करेंगे तो एक साफ सफाई बहुत अच्छा, आपको हर गांव में साफ सफाई दिखेगी। मेरे गांव में मतलब पूरे गांव में आपको साफ सफाई दिखेगी। ये हमारी टीम को हमने मोटिवेट किया और उनको सफाई के बारे में हमने बताया, पूरे गांव में लाइट दिखेगी तो, और अपने घर के आसपास सब लोगों, स्कूल में हमारा आज अगर स्कूल आओगे तो स्कूल बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। पढ़ाई के मामले में लोगों को जो हमने मोटिवेट किया, आज कई बच्चे हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग कर चुके हैं, कई बच्चे हमारे यहाँ के मर्चेंट नेवी में अच्छे प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। तो ये तो मेरे गांव में बदलाव में आपको ले रहा हूँ। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन महिलाओं के घर में कुछ भी नहीं था, आज वो महिलाएं ब्यूटी पार्लर हमने उनको खुलवाया, वो टेलरिंग भी करती हैं, कॉस्मेटिक शॉप भी करती हैं, और उनके हस्बैंड से ज्यादा इनकम करती हैं, 20-22 हजार रुपए महीना कमा रही है हमारे पास कई महिला। कैला देवी में ही मैं आज सुबह ही मिलकर आया हूँ, आरती नाम से एक महिला है जिसके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो गया 1-1.5 साल पहले, और उसने कैला देवी में भोग प्रसाद की दुकान खोली हमारे सहयोग से, आज आराम से कम 16-17 हजार रुपए महीना वो कमा रही है। और आज उन्होंने हमें बताया कि उनके पति के इलाज के लिए उन्होंने 6 लाख रुपए कर्जा लिया था, तो अब धीरे धीरे वो कर्जा भी वापस कर रही है। तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज है, इवन हमारी हर महिला एक स्टोरी है, किसी भी महिला के बारे में आप उठा के देख लो उसने जो समाज में जो अपने बदलाव किया, इससे काफी अच्छा लगता है आपको? बिल्कुल अच्छा लगता है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो जिनसे फायदा हुआ है वो और लोगों को फायदा करें। अच्छा, आप एनजीओ में लगे रहते हैं दिन भर काम, घर में परिवार में पत्नी में संतुलन कैसे बनाते हैं? लड़ाई झगड़ा कभी कभार होता हो? ये तो जरूर, ये देखो लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कहाँ गाड़ी पटरी पे जा रही है या उतरने वाली है। तो लड़ाई झगड़ा रोज चलता रहता है हमारे साथ। एक अच्छी चीज मैंने क्या करी, मेरा घर और ऑफिस एक ही है अभी जयपुर में, मेरे घर को ही मैंने हेड ऑफिस बना रखा है, और हमारी मेरी वाइफ को मैंने जो है अकाउंट मैनेजर बना दिया है। तो जो भी एनजीओ में फंड आता काम दिया है अपने वाइफ को तो उन्हीं को दे दिया सारा काम। अब किसी को कोई सैलरी लेनी है, किसी को क्लेम पास करवाना है मैडम, तो वो क्या इन्वॉल्व हो गई, तो उनको समझ में आ गया कि काम चलता कैसे है, तो वो अपने आप। और आपको भी टेंशन नहीं है? मुझे भी टेंशन, पैसा मांगने वाले नहीं है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, सब पता उनको है ना। ये आपने अच्छा काम किया। प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने जीवन के कुछ बताए, पसीना बुरी तरह आ गया, आप पहुंचने। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।